वेलकम टू हमारी रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन की चटनी। इसके लिए मैंने बैंगन को गैस पर अच्छे से सेक लिया था और उसे फिर फ़ौरन ठंडे पानी में डाल लिया ताकि इसकी स्किन आराम से निकल जाए। मैं अभी इसकी स्किन निकाल कर आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे ही आप बैंगन को सेकेंगे गैस पर वैसे ही फ़ौरन ठंडे पानी में डाल देना ताकि स्किन आराम से निकल जाए। देखिए, मैंने बैंगन को छील दिया है अच्छे से। अब हम इसकी चटनी बनाएंगे। बैंगन की चटनी के लिए यहाँ पर मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए। ये दो छोटे टमाटर को मैंने स्लाइस कर लिया है। ये एक प्याज लिए, मोटी मोटी काट ली इसको भी। दो नारियल के टुकड़े हैं, 8-10 लहसुन की कलियाँ हैं, 1 टेबल स्पून सेंग है ये, 4 हरी मिर्च। इन सबको मैं 1 टेबल स्पून ऑयल में हल्का सा फ्राई करूंगी। तवे में तेल गरम हो गया है। इन सब मसालों को मैं डाल दूंगी। इन सबका कलर चेंज हो जाएगा तब तक इसे फ्राई करूंगी मैं। ये देखिए, सारे इंग्रेडिएंट्स ने अपना कलर चेंज कर लिया। मैंने गैस को बंद कर दिया। अब इसे ठंडा करके हम आम दस्ते में इसे कूटूंगी। ये देखिए, सारे इंग्रेडिएंट्स ने अपना कलर चेंज कर लिया। मैंने गैस को बंद कर दिया। अब जैसे ही ठंडा हो जाएगा मैं इसे हमाम दस्ते में मोटा मोटा कूट लूँगी। यहाँ पर देखिए, मैंने बैंगन की भी पूरी स्किन निकाल ली है, इसे बीच में से कट दे दिया है। यहाँ पर देखिए, मैंने इसे हमाम दस्ते में डाल दिया। अब इसे मोटा मोटा कूट लूँगी। यहाँ पर देखिए, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को मोटा मोटा कूट लिया है। तो चलिए, अब हम बैंगन की चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। इसमें मैं 1/2 टीस्पून जीरा डालूंगी। चुटकी भर हींग डालूंगी। जीरा क्रैकल हो गया है। अब इसमें मैं कुटा हुआ मसाला डाल दूंगी। नमक जाएगा इसमें। अपनी टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। थोड़ी देर तक अच्छे से फ्राई करेंगे मसाले को। यहाँ पर देखिए, मसाला भुन गया है। बैंगन डाल दूंगी और उसे अच्छे से मैश करूंगी। देखिए, बैंगन को मैंने मैश कर दिया है। अब इसे मैं ढककर 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाऊंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ।
यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए पकते हुए। बैंगन की चटनी को अब इसमें मैं हरा धनिया डालूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। ये देखिए बैंगन की चटनी बिल्कुल रेडी है, मैंने इसे सर्व कर दिया है, हरे धनिया से गार्निश किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।